अल्लाहिर रहमान रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अबीब ताहिर चौधरी। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम करता हूं। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर की नौजवान शख्सियत नईम अनीफ मलिक साहब। मलिक साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। थैंक यू। नाज़रीन, आज हम इनसे आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल से गुफ्तगु करेंगे। उससे पहले इनसे इनके सियासी कैरियर के हवाले से इनसे पूछते हैं। जी, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया है। मैं एक मतवासत तकबे की सियासी आवाज़ हूँ। आप ये कहें कि मैं एक मज़दूर का बेटा हूँ और मज़दूर की सियासी आवाज़ हूँ, तो ये जो है ना, ये बिल्कुल बेजाना होगा। आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर आपने देखा है कि नौजवानों की जो इंट्री है वो बहुत हौसला अफजा है बनिस्बत दीगर सूबों के, तो ये एक अच्छा साइन था। और आज़ाद कश्मीर के नौजवान माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं। पूरे आज़ाद कश्मीर में आपने जहाँ भी देखा है ऐसे नौजवान सियासी कारकुनान जो हैं, उनके अंदर अपनी रियासत का दर्द भी है, तहरीकी आज़ादी कश्मीर का दर्द भी है। तो इस हवाले से मुझे, मेरे बहुत सारे रोल मॉडल हैं आज़ाद कश्मीर में, तो उनको देख के मैंने सियासत अपनी। मलिक साहब, मैं तो आपके सियासी कैरियर से वाकफ़ हूँ। मैं चाहूँगा कि आप मेरे नाज़रीन को भी बताइएगा कि आपने अपनी सियासी कैरियर का कब आगाज़ किया और कि आप कहाँ कहाँ के ऐसी किस किस जमात के साथ आपका ताल्लुक़ रहा और कहाँ कहाँ आपने अपने जवाना खिदमत सर अंजाम दी। जी देखिए, सियासी कैरियर का आगाज़ तो मैंने 13-14 साल की उम्र में ही कर लिया था, क्योंकि मैं एक सियासी ख़ानदान से तलक रखता हूँ, मेरा ख़ानदान सियासी था, तो इस हवाले से सियासत में शुरू से इंटरेस्ट था। लेकिन मैं 13-14 साल का ही था तो मैंने सियासत में अमली तौर पर कदम रखा था। फिर ज़ुबान तालब इलमी से लेके इस्लामी जमीयत तुलबा का हिस्सा रहा। फिर आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून का क़याम जब राजा फारूक अदर साहब ने अमल में लाया, उसके पहले सदर बने, तो तब मैं मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर का फाउंडर जो है वो मेम्बर था। यानी आप मुझे कह सकते हैं कि मैं बानी हूँ आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून का। लेकिन चंद वजूहत की वजह से मैंने मुस्लिम लीग नून का साथ जो है इस इलेक्शन में जो अभी रिसेंटली आज़ाद कश्मीर में हुए हैं, ये मुझे मुस्लिम लीग नून का साथ छोड़ना पड़ा। 10 साल मेरी मुस्लिम लीग के लिए खदमात थी, तो कुछ ऐसी वजूहत थी जो मैं बयान कर सकता हूँ। उस वजह से मुझे मुस्लिम लीग को छोड़ के, क्योंकि मेरे इलाके में एक ऐसी शख्सियत थी जो इलेक्शन लड़ने जिन्हें टिकट लेके इलेक्शन का आई थी, और वो एक नया चेहरा था, उसके अंदर इलाके का दर्द भी था, और फिर वो एक मुतहरक नौजवान था, उसके अंदर आज़ाद कश्मीर के लोगों का एहसास था। तो मैंने सोचा कि इस शख्स का साथ दिया जाए और आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के अंदर जो महरूमियाँ हैं वो दूर की जाएँ। मतलब आपकी सियासी जमात मुस्लिम लीग नून से बड़ी गहरी वाबस्तगी है, और जब आप एक अच्छे ओहदे पर फायज थे, आप मुस्लिम लीग नून मरकजी यूथ कोआर्डीनेटर थे, तो ऐसी क्या वजूहत थी कि आपने मुस्लिम लीग नून को खैराबाद किया और तहरीक इंसाफ में जो ज्वाइन की? नो डाउट, मुस्लिम लीग नून में मुझे एक अच्छी पोजीशन मिली, मुस्लिम लीग नून में मुझे इज़्ज़त मिली। मामलात में मुस्लिम लीग ओवरऑल अगर बात करते हैं तो मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, सीनियर क़यादत है, उससे ये तहफात थे कि आपने देखा आज़ाद कश्मीर के अंदर मेरी जो सबसे पहले इख्तलाफ पैदा हुआ मुस्लिम लीग नून से, वो इख्तलाफ बुनियादी वजह यही थी कि इन्होंने जो इडाक अभी जो आपने देखा है कि हमारी ये मौजूदा हुकूमत ने जिस एक्ट को ख़त्म किया है, ये पहले इन्होंने मेरिट का दावा किया और फिर उसके फौरन बाद इन्होंने जनाब एक एक असम्बली से वो रेजोल्यूशन पास करवा के जो है वो लोगों को परमानेंट कर दिया। वहाँ से मेरी मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जो है वो मेरी एक आवाज़ उठी कि ये नहीं होना चाहिए था। और जब वो हमारी आवाज़ पर जो है वो हमारी कायदीन ने तवज्जो नहीं दी, और इससे बहुत सारे आज़ाद कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवान हैं उनका हक मारा जा रहा है, तो वहाँ पर खामोश रहना जो मैं मुझे गवारा नहीं किया मेरे दिमाग ने, मेरे ज़मीर ने कि मैं वहाँ साथ देता, तो मैंने इस वजह से जो है ना मुस्लिम लीग नून से किनारा कशी इख्तियार की थी, और फिर वो तहरीक इंसाफ के काफिले में राजा मंसूर का साथी बना। मलिक साहब, वहाँ पे बड़े सियासी कद काट के लोग हैं, आपका ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है, बड़े 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 लोग ऐसे हैं जिनका बड़ा बहुत बड़ा कैरियर है सियासी। राजा मंसूर साहब एक नया नाम था, एक नया चेहरा था, तो उनका एतबार आपसे, उनने कैसे उनसे आपका ताल्लुक बना, कैसे आपने उनका एतबार या उन्होंने आपका एतबार जीता कि आपको अपनी पार्टी में बुलाया? राजा मंसूर खान का जहाँ से तल्लक है, मैं राजा मंसूर साहब को इतना ज़्यादा नहीं जानता था, क्योंकि राजा मंसूर साहब जो हैं वो मेरी यूनियन काउंसिल के ये हैं, मैं ख़ुद उन्हें इतना जानता नहीं था। इसलिए नहीं जानता था कि राजा मंसूर साहब ने अपनी ज़िंदगी के जो ज़्यादा वक्त है वो यूरोप में इंग्लैंड में गुजारा है। तो राजा मंसूर साहब जब अमलन सियासत में, आज़ाद कश्मीर की सियासत में उन्होंने इंट्री दी, तो उस वक्त मुझे राजा मंसूर साहब से आप सोशल मीडिया की हद तक कह सकते हैं, या फिर किसी तकरीब में जो आप एक इलाके के रहने वाले होते हैं
हैं तो वहाँ एलो है अभी, फिर किसी महफल में या फिर कश्मीर के हवाले से कोई प्रोग्राम हो तो वहाँ मेरी राजा मंसूर साहब से कभी बात हुई, कभी मुलाकात हुई, तो मैंने उन्हें एक अच्छा इंसान पाया। और फिर मैंने राजा मंसूर को कुछ करने का जो उसके अंदर जो जज्बा था वो मैंने एक बांपा कि ये बंदा कुछ करना चाहता है और उसके अंदर खुददारी है, खुद एतमादी थी, बरादरीज़म नहीं था, वो कुछ करना चाहते थे हल्के के लिए। और वो बार बार कहते थे मेरा हल्का बहुत पसमानदा है और आप जैसे नौजवान अगर मेरे साथ खड़े होंगे तो मैं इस हल्के के लिए कुछ कर सकूंगा। तो मैंने उनका साथ देने का फ़ैसला किया और मैंने उनका साथ दे के मुझे फ़ख्र है कि मैंने एक ऐसे शख्स का साथ दिया है जो बेदाग जो है ना, जिसका करेक्टर बहुत अच्छा है, जो बेदाग है, जिसने आज तक जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर कुछ किया ही है, आज़ाद कश्मीर को कुछ दिया है, आज़ाद कश्मीर के लोगों को लूटा नहीं। मलिक साहब, ये आपके हल्के से इससे पहले भी मुख्तलिफ अदवार में लोग मिनिस्टर्स भी रहे हैं, उसके अलावा अच्छे अच्छे उहदों पर फायज रहे हैं, तो मुझे बताइएगा अभी राजा साहब एक आज़ाद कश्मीर के सेटअप में मौजूद हैं, वो इलेक्शन तो भी नहीं कर सके, मुझे बताइएगा कि उनके उस अरसे में डेवलपमेंट कैसी थी, काम काज कैसा था, और अभी जो राजा मंसूर साहब की क्योंकि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है तो वो उनके जो अभी टाइम तो एक साल हुआ है तो उनके काम काज या उनका आपके लोगों के साथ अपने हल्के के अहबाब के साथ कैसी कोऑर्डिनेशन है? देखिए, पहले थे हमारे हल्के में दो ही लोग थे, राय क्यूम साहब और चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, दायर दानों कायम मकाम वज़ीर आज़म भी रहे, बड़ी वजारतों पर भी फायज रहे हैं। जहाँ तक सियासी रवादारी की बात है तो उससे पूरा हल्का बल्कि आज़ाद कश्मीर जानती है कि सियासी रवादारी में वो उनका कोई सानी नहीं। राय क्यूम साहब खसूसन बहुत इस मामले में अच्छे इंसान हैं और इन्होंने डिलीवर नहीं किया। राय क्यूम साहब ने अगर कुछ डिलीवर करने की कोशिश भी की है तो मेरे ख्याल से वो उस तरह डिलीवर नहीं कर पाए जिस तरह उन्हें डिलीवर करना चाहिए था। लतीफ़ अकबर साहब भी उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए जिस तरह से उन्हें डिलीवर करना चाहिए था, क्योंकि वहाँ हमारे पास एक और चेहरा भी था राजा साकब मजीद, वो इक्तदार में नहीं आए, इसलिए हम राजा साकब मजीद को ये ब्लेम नहीं देते। हाँ, राजा साकब मजीद की जमात 50 साल आज़ाद कश्मीर में इक्तदार में रही है, जब एक जमात 50 साल इक्तदार में रही है वो कुछ नहीं कर सकी, वहाँ साकब मजीद साहब खैर जीत नहीं सके, ये दोनों जीतते रहे। यानी आप समझें कि जब से आज़ाद कश्मीर में सियासत में इलेक्शन ये जो बाकायदा जो इलेक्शन इनमें कभी लतीफ़ अकबर आए, उसके बाद राय क्यूम साहब आए, ये बारियां लगी रहीं, इन दोनों बारियों में इन्होंने खास और ख़ास प्रमोट की है अपने। लतीफ़ अकबर साहब ने अपने लोगों को प्रमोट किया, राय क्यूम साहब ने अपने लोगों से मुराद में बरादरी की बात नहीं कर रहा, यानी कि जो अपने हैं खास बंदे जिन्हें आप अरफे आम में हम ठेकेदार कहते हैं, ये उन्हीं के गिर्द इनकी सियासत घूमती रही और पीछे इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो वहाँ पर एक नई इंटरव्यू हुई राजा मंसूर की जिसने लोगों को अवेयरनेस दी, वो उसी अवेयरनेस की बुनियाद पे जो है ना वो लोगों ने हमारा साथ ही, बदकिस्मती से हम हल्का तो आ रहे, हल्के से हमें बड़ी धांधली की गई हमारे साथ और फिर हमारे इलेक्शन कंपेन में भी बहुत रोड़े अटकाए गए, फिर लोगों को रात को जाके कस्में देना, फिर लतीफ़ अकबर साहब के लोगों ने लोगों को ये कहा हुआ था कि हम आगे लतीफ़ अकबर साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बनेंगे, आप वज़ीर आज़म को वोट दें। तो जब ये हल्के के अंदर ये एक पूरी अफवाह लतीफ़ अकबर साहब के बारे में चलाई गई कि ये आने वाले वज़ीर आज़म हैं, आप फिर वो औरतों को ले कर फिर अपनी वो अपनी जो फैमिली के दीगर लोग थे उन्हें मुतर्रक किया, रातों को अपनी बरदरी के पास, दूसरी बरदरीों के बसर करदा लोगों के पास या दूसरी बरादरी के लोगों को अपनी बरादरियों के पास भेज देना कि इस बार वोट आपने हमें देना है तो ये हमारी आखिरी बारी है, ये कह के यानी आप समझ लें कि दूसरे लफ्जों में ब्लैकमेलिंग और हमदर्दी का वोट लिया लतीफ़ अकबर साहब ने कि मैं जा रहा हूँ, मेरी आखिरी इलेक्शन है तो मुझे बाइज्जत तरीके से सियासत से रिटायर करें। तो यहाँ से भी फिर हमारे साथ जो इलेक्शन के दौरान ट्रेजडी ये हुई कि हमारे कारकुनों को भी बड़ा जद्दोकोब किया जो तहरीक इंसाफ की तरफ आना चाहते थे, हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त नौजवान दोस्त जिन पर हमले किए गए, बड़ी हमारे साथ मामला, इस तमाम मामला के बावजूद हमने सब्र तामल का जो है वो मुजाहरा किया और फिर भी हम हल्के से 10,000 वोट लेके गए, हमारे वोट मेरे ख्याल से 7 से 8 हज़ार वोट जो है ना हमारा जो वो धांधली की नज़र हुआ है, हम 18 से 19 हज़ार वोट पर पहुँच रहे थे। मलिक साहब, आपने बड़ा तफसीली ओवरव्यू बताया, मुझे बताइएगा कि अभी राजा साहब हल्के में काम काज भी करवाते होंगे तो क्या अपोजिशन की तरफ से काम काज के दौरान कोई रुकावटें आती हैं? अक्सर यही होता है कि अपोजिशन की तरफ से ये होता है कि अगर ये बंदा डिलीवर करता तो आने वाले वक्त में हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। देखिए, ये बिल्कुल है, ये बिल्कुल है, राजा मंसूर खान साहब इलेक्शन नहीं जीते लेकिन वो वज़ीर आज़म मायना अमल दरामद कमीशन के चेयरमैन जब से बने हैं और उससे पहले भी वो हल्के के अंदर खासे मुतर्रक हुए,
उन्होंने जितने भी आप हल्के के लोग हैं उनके जो मसाइल होते हैं वो राजा मंसूर साहब तक पहुँचते, तो वो अरबाब इख्तियार तक जो राजा मंसूर साहब वज़ीर आज़म साहब तक या वो मुतलका अहकाम तक जो मुतलका अदारे हैं जो लोगों के मसाइल होते हैं मुतलका अदारों तक पहुँचाते हैं, जिसे हल्के में लोगों को रिलीफ मिला है। रिसेंटली हमने हल्के के अंदर जो है वो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने शुरू की हैं हल्के के अंदर, वो समाजी वाले से भी सियासी वाले से भी, और कुछ हमने तरक्याती जो है वो फंड्स के जो है उन पर भी नज़र रखने का, क्योंकि वो तो लतीफ़ अकबर साहब को मिलने हमने लोगों को कहा है कि उन पर भी नज़र रखें, और हमने अपनी तरफ से भी जो सियासत हमें को जो मिलेगा वो भी लोगों को देंगे डिलीवर करेंगे। और इस वक्त राय मंसूर साहब जो अमलन डिलीवर कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन डिलीवर कर रहे हैं। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो मैं समझता हूँ कि इन दानों की सियासत ख़त्म हो जाएगी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आपके इसी ख़त्म हो जाएगी। इन बातों से मेरे एक जहन में एक सवाल है कि आप क्या देखते हैं, राजा मंसूर साहब देखने में तो बड़ी एफर्ट्स कर रहे हैं, डिलीवर भी बड़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो आंदा इलेक्शन में आप क्या कहते हैं कि हल्के के कुछ लोग जो लोग पहले साथ नहीं थे वो भी साथ होंगे इनके, क्योंकि उनकी जो वर्किंग मैंने देखी है बहुत ज़बरदस्त है इसके बारे में। देखें जी, राजा मंसूर साहब इससे कबल जो हल्के में थे गए हैं, आप खुद देख लें, राजा मंसूर साहब ने ज़बरदस्त एंट्री हल्के में मारी। बहुत सारे लोग हमारी तरफ, मैंने जैसे आपको आपसे जिक्र किया कि बहुत सारे लोग हमारी तरफ जोक दर जोक आना चाहते थे, उन्हें या के ये कहा गया मैं आखिरी इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मुझे सियासत से बाइज़त रिटायर कर दें, मुझे वोट दें, वो हमदर्दी का वोट लेंगे। तो राय मंसूर एक नया चेहरा था, तो राय मंसूर साहब के साथ ये ट्रेजेडी लतीफ़ अकबर साहब की वो मांगने तांगने वाली बात हो गई। अब यहाँ पे मैं आपको गारंटी से ये बात कह सकता हूँ कि ये दो तीन साल, अगले दो तीन साल में आप देखेंगे कि कांवड़ा में सिर्फ राजा मंसूर साहब ही आपको नज़र आएंगे, बाकी आउट होते नज़र आ रहे हैं मुझे। मलिक साहब, आप मुझे बताइएगा कि राजा मंसूर साहब एक नौजवान थे, वो सियासत में आ गया, इलेक्शन लड़ा, तो आप क्या समझते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के लिए ये एक अच्छी खबर है कि एक नौजवान की आदत आगे सामने आ रही है, जो उम्मीद है कि नौजवानों को ही आगे लाने में जो है ना उनकी कोशिश होगी कि नौजवान की आदत को आगे लाया जाए। मैं एक बड़ा इंकशाफ यहाँ पर करने वाला हूँ, बदकिस्मती से मैंने हल्के के लोगों से भी ये बात की लेकिन तब वो लोग नहीं माने, और बाद में हालात ऐसे कुछ बने कि उन्हें मानना पड़ा। राजा मंसूर इस वक्त कन्फर्म प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर होते, अगर राजा मंसूर साहब इलेक्शन जीत जाते तो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर राजा मंसूर खान होते। ये मैं आपको ये बहुत बड़ी बात है, और ये 110% मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ कि राजा मंसूर साहब अभी इस मौजूदा सेटअप में एज ए कायदे ऐवान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर होते और वो लोगों की बेहतर खिदमत कर रहे होते। लेकिन हमारे हल्के में वही, मैंने जो पहले बात वही बात है कि ना हम कर सके, लेकिन आने वाले वक्त में पूरी आज़ाद कश्मीर के लिए राजा मंसूर जो हैं वो बहुत सूदमंद साबित हुआ। आप देखें, आप राजा मंसूर साहब को देखें, आप हमारे जो तीन डिवीजन हैं मीरपुर डिवीजन में देखें, पूंछ डिवीजन में देखें या मुजफ्फराबाद डिवीजन में देखें, तीनों डिवीजनों में राजा मकबूल साहब, राजा मंसूर साहब यकसा मकबूल है। उनकी मकबूलियत की वजह ये है कि उनका पर्सनली जो है ना फेल हर बंदे के साथ कॉन्टेक्ट है, आप हैं जो हिसाब आप में मैं हूँ या कोई तीसरा है, उन्होंने कभी ये लीडर है ये कारकुन है, उन्होंने सब के साथ इक्वल जो है ना वो रवाबत रखे हुए हैं। उनके पास जो भी जा रहा है, चाहे वो जमात का लीडर जा रहा है या जमात का कारकुन जा रहा है, उन्होंने उसको मुकाम दिया है, इज्जत दिया। आप यहाँ सवान दफ्तर में चले जाएँ, आप बिल्कुल सब गए, आप वहाँ देखें, वहाँ पर लीडरशिप भी बैठती है, वहाँ पर पार्टी के दीगर अहदेदारान भी बैठते हैं, वहाँ आम कारकुनान भी बैठते हैं। तो राजा मंसूर खान आम कारकुनान को और पार्टी के सीनियर का जो लोग हैं उनके वो आपने उनकी तफरीक नहीं देखी, राजा मंसूर के तफरीक करते हों कि ये पार्टी का कल का वर्कर है, वो अपने तमाम वर्करों को साथ लेके चल रहे हैं। और आज़ाद कश्मीर की तीनों डिवीजन के अंदर उनकी मकबूलियत इस वक्त जो है ना, आप सर्वे करवा लें, बेशक उनकी जो मकबूलियत का ग्राफ है वो काफ़ी बुलंद है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के नौजवानों की उम्मीद राजा मंसूर है। मलिक साहब, मुझे बताइएगा कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में एक साल कम्प्लीट हो चुका हुआ है, तो क्या आप क्या समझते हैं कि ये पिछली गवर्नमेंट्स जो रही हैं उनसे अच्छा डिलीवर कर पाएगी? तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को साल तो नहीं हुआ, लेकिन जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को आज़ाद कश्मीर में जो मंथ मिले हैं, उस पर सबसे बड़ी बात जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो कश्मीर पैकेज कर दिया है, उस पर जब आपने वो हमारा वो मुजफ्फराबाद में जो टनल बन रहा है आप वो आपके सामने, उसके अलावा ये मुख्तसर अरसे में जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने डिलीवर किया, सबसे पहले ये डाक एक्ट आपके सामने, कितने नौजवानों को अब नए नौजवान नौकरियां आएंगी, नए नौजवान जो थ्रू पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जाएंगे, और जब एक अच्छे पब्लिक सर्विस कमीशन पास करके एक नौजवान आज़ाद कश्मीर किसी इदारे में बतौर अफसर काम कर रहा होगा, तो उसका और वो जो सिफारशी बंदा लगा हुआ था सियासी पार्टियों का, उसमें फ़र्क देखेंगे, जो मेरिट पर आएगा वो मेरिट की बात करेगा और उससे फ़ायदा आम आवाम को होगा। एक तो ये, दूसरा आप तमाम महकमों को देखें, तमाम मिनिस्टर्स को देखें, वो मुतहरक हैं,
आप एजुकेशन सेक्टर में देखें, दीवान अली चुगताई साहब को देख लें, आप ख़ुद प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को देख लें दिन रात एक, आप हमारे हुकूमत आने के बाद आपने देखा हमने 24 तारीख को आल पार्टी कश्मीर रैली जो इस्लामाबाद में निकाली, हमारे जो सदर हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, आप वहाँ पर देखें तहरीक आज़ादी, आप पिछले 5 साल या 10 साल दौर उठा के कश्मीर, कोई ऐसी कोशिश भी नहीं की गई जो यहाँ पे बैरिस्टर साहब ने कोशिश की, पहले अपनी पार्टियों को मुनज़म किया, उसके बाद ये अब इंशाल्लाह एक्सटेंड होके उस दिन रैली में आपने स्पीचेस सुनी है कायदीन की, तो बैरिस्टर साहब ने कहा कि हम जो है इसको पूरे पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में बल्कि दुनिया भर में जो है ना ये हम जो कश्मीर के हवाले से हम जो है वो अपनी स्ट्रगल करेंगे, और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने वहाँ ये कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर इसमें आपके साथ खड़ी होगी। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, आप अपने नौजवानों को आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के थ्रू? आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को मैं ये मैसेज दूंगा, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर हम इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में हमारा लिटरेसी रेट सबसे अच्छा है, हमारी कश्मीर की जो यंग जनरेशन है वो बहुत एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, मैं मज़ीद आज़ाद कश्मीर के नौजवान टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आएँ, वो टेक्निकल एजुकेशन लें, उसके बाद सियासत में भी जो नौजवान सियासत में हैं, जो नौजवान सियासत करना चाह रहे हैं या सियासत में आना चाह रहे हैं या सियासत कर रहे हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि अपने माशरे के लिए सूदमंद शहरी बन के रहें, अपने लोगों के काम करें, अपने गली महल्ले में लोगों को एक्सपेक्टेशन होती हैं सियासी कारकुन के ऊपर, इसी तरह एक तालिबे इल्म के ऊपर लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं, इसी तरह कोई भी माशरे का फ़र्द है, मैं बिल्कुल नौजवानों को ये कहूँगा कि आप पे एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की, आपने उन एक्सपेक्टेशंस को तोड़ना नहीं है, आपने हर सूरत में जो सियासी कारकुन है उन्हें डिलीवर करना है, जो तालिबे इल्म उन्होंने अपनी तालीम जो है ना उसके मियार को और उस अपनी तालीम में इतनी मेहनत करनी है कि कम अज़ कम वो एक अच्छे तरीके से वो आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी वो दुनिया को दिखा सकें कि हमारे में अंदर कितना पोटेंशियल है, हम कितने टैलेंटेड है और हम कितने आगे जा सकते हैं, हर शूबे के नौजवान जिस शूबे में वो मेहनत करें और आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करें। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने हमें टाइम दिया, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, हमारे प्रोग्राम की रौनक बने, इन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज़ में अपने खत्ते के जो है ना सियासी और बाकी मामलों को आपके सामने पेश किया, और अपने हलके के बिलखसूस इनके जो नुमाइंदे थे राजा मंसूर साहब, उनके सियासी कैरियर, उनका करदार और उनकी काम काज को सराहा और बताया कि उन्होंने किस तरह से वो अपने हलके के लोगों के लिए वो काम काज कर रहे हैं, बल्कि हलके के लिए पूरी आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ उनकी अटैचमेंट है और पूरे खत्े के लोगों के साथ उनके ज़ाती रवाबतें, और एक इनमें बड़ी खूबसूरत चीज़ उन्होंने कही कि जिस तरह सियासी लोग एक ठेकेदारी निज़ाम उन्होंने आज़ाद करके रखा हुआ था, उन्होंने उसको पस पर्दा कर दिया, वो चैलेंज करके उसको ख़त्म कर दिया और हर फर्द और हर एक कारकुन के साथ डायरेक्टली रबता किया ताकि किसी के साथ कोई जुल्म ज़्यादती ना हो। तो आप बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपके साथ, अल्लाह हाफ़िज़।